हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज सिमरन मलिक फ्रॉम लेट्स ट्रिप देसी। मैं खड़ी हूँ गोवा के मोपा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे, और ये है वो एयरपोर्ट जहाँ पे आप लोगों को मिलेगा क्या क्या। फॉर दैट वी हैव टू गो इनसाइड एंड चेक आउट व्हाट ऑल थिंग्स आर देयर। पहली चीज़ तो मैं नोटिस कर चुकी हूँ कि मेरे होटल से, जो कि वेगेटर पे था, तो वहाँ से हार्डली मुझे 35 to 40 minutes लगे टू रीच आउट हेयर। अगर मैं डबलिन जाती, जो कि पुराना एयरपोर्ट है, तो वहाँ पे मुझे मोटा मोटा कम से कम 1 घंटा तो पक्का लगता ही लगता, बिकॉज दैट वाज ऑलमोस्ट 42 to 50 kilometers फ्रॉम दैट वेगेटर बीच जहाँ पे मैं रह रही थी। और थार हम लोग कर रहे हैं वापस, और सब चेक कर लिया उन्होंने, पूरी वीडियो बना ली है। हाफ टैंक बोला था, हाफ टैंक दिया है, और स्क्रैचेज नहीं होने चाहिए गाड़ी पे। तो हम लोग फाइनली रिटर्निंग मोड पे हैं अब, तो गाड़ी हम लोगों ने रिटर्न कर दी है, अब वापस जा रहे हैं दिल्ली। सो लेट्स गो इनसाइड एंड चेक आउट व्हाट ऑल थिंग्स आर देयर, व्हाई वी शुड कम टू दिस एयरपोर्ट, एंड व्हाई दे हैव क्रिएटेड अ न्यू एयरपोर्ट इन गोवा। सो लेट्स गो इनसाइड। ओके सो गाइज, वी आर डूइंग वेब चेक इन। ऑलरेडी हम लोग ऑनलाइन कर चुके हैं, और यहाँ पे हम लोगों ने बोर्डिंग पास निकाल लिए हैं। अब हम निकाल रहे हैं बैग के जो टैग्स होते हैं वो, बिकॉज इट इज़ ऑल इंटरनेशनल मोड, सब कुछ डिजिटल हो रहा है। तो हम इससे पहले अपना बैग टैग्स निकालेंगे और वहाँ मशीन्स पे रखेंगे, और वो सीधा जाएगा हमारी फ्लाइट के अंदर। वी हैव बुक्ड विस्तारा दिस टाइम, डू दिस। सिक्स फाइव ई एल जी वी, यही है ना? कंटिन्यू, यस यस करो। प्रिंट बोर्डिंग पास हम कर चुके हैं, प्रिंट बोर्डिंग पास हम कर चुके हैं। अब ऐड एंड मॉडिफाई कर रहे हैं, बैग टैग निकाल रहे हैं। वी हैव एडेड टू, लेट्स कंटिन्यू टू दिस। यस यस यस, सो वन इज हियर, अनदर वन इज ऑल्सो हियर। स्टाफ इज ऑल्सो वेरी हेल्पफुल गाइज, दे विल हेल्प यू आउट हाउ टू प्रोसेस दिस प्रोसेस। बहुत ईजी प्रोसेस है। चलो लेट्स गो इनसाइड। पुराने टैग्स प्लीज उतार देना, कोई स्टिकर लगा हुआ बैग पे तो रिमूव कर देना, नहीं तो इन लोगों को कन्फ्यूजन हो जाता है। ट्रॉली का वेट 4 किलो होता है। गाइस, स्टाफ इज वेरी हेल्पफुल, कैन यू रिमूव योर ओल्ड टैग्स। अभी नया है ना, तो ये भी लोगों को सिखा रहे हैं कि कैसे करना है। Is it done? Yes. Yes. 13.2 आया ना? So I've given my bags. ये मेरे हिसाब से दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे भी होना चाहिए, बिकॉज इट इज़ अ वेरी स्मूथ एंड ईजी प्रोसेस फॉर विच यू कैन जस्ट कम इन, जस्ट गिव योर बैगेज, आपको किसी की भी जरूरत नहीं है। दिस इज ऑल इंटेलिजेंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसके लिए आपको लोगों पे डिपेंडेंट होने की जरूरत नहीं है। सीधा जाओ ऑनलाइन, खुद से वेब चेक इन करके आओ, और ये अपना काम बोर्डिंग पास और ये सब आप खुद से कर सकते हो। एंड आई थिंक ब्रिलियंट थिंग कि आने के बाद हार्डली 10 मिनट्स में माई बैग्स वर आउट ऑफ माई शोल्डर्स, एंड आई कैन मूव अराउंड एंड आई कैन एक्सप्लोर वॉट एवर आई वॉन्ट टू। सो लेट्स गो इनसाइड एंड वॉट आई कैन एक्सप्लोर, लेट्स गो।
सो ओके गाइज, मैं एंटर कर चुकी हूँ मोपा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे। तो मेरे दिमाग में एक सवाल आया जो कि हर एक को आया था। तो मैंने जब आ रही थी ड्रोन ख़रीदा था एक्चुअली में, कि हम ड्रोन लेके कैसे आएंगे अगर मैंने कहीं से भी ख़रीदा था, बिकॉज ड्रोन इज़ बैन इन सर्टेन सिटीज़ एंड कंट्रीज़ एंड इट इज़ इलीगल टू फ्लाई द ड्रोन एनीवेयर। आप लोगों का आई एम श्योर एक सवाल होगा कि क्या आप लोग ड्रोन कैरी कर सकते हो वाइल्ड ट्रैवलिंग टू एनी फ्लाइट। सो येस, द आंसर टू दैट इज़ येस, यू कैन। एंड फॉर दैट यू शुड नॉट कीप योर ड्रोन इन टू योर लगेज, बिकॉज वो चला जाता है फ्लाइट के अंदर। आपको अपने चेक इन बैग्स के साथ ही लेके आना पड़ता है और आप उसको वहीं चेक इन काउंटर पे, जैसे आप सारे गैजेट्स या फ़ोन अपने अलग करके दिखाते हो, सो यू शुड ओपन योर ड्रोन ऑल्सो एंड यू कैन आस्क द चेकर्स टू चेक इट एंड देन यू कैन जस्ट वॉक इन टू द एयरपोर्ट। और कोई भी कोई दिक्कत नहीं होती, आराम से आप अपना ड्रोन किसी भी फ्लाइट के अंदर ऐसे ही लेके आ सकते हो। सो गाइज, ये है इंटरनेशनल एयरपोर्ट गोवा का। तो गाइज, लाउंज में नहीं मिली एंट्री, कोई भी डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड नहीं चल रहा है यहाँ पे, जबकि एक आम लाउंज ही है। हर एक इंटरनेशनल लाउंज के या हर एक एयरपोर्ट के जो रूल्स हैं वो अलग अलग होते हैं। सो वहाँ पे जो भी मशीन चल रही थी वहाँ नहीं चल रहा था, बट आई आज की कौन से कार्ड वहाँ चल रहे हैं। सो दिस साइड की डाइनर्स चल रहा है, प्रायोरिटी पास चल रहा है। प्रायोरिटी पास मेरे पास था बट प्रायोरिटी पास चार्जेबल होता है, सो आई डिड नॉट स्पेंड इट देयर, कि मुझे $25 पे करने पड़ेंगे। उससे बेटर है कि मैं कहीं और अपनी मर्जी से खा सकती हूँ। सो आई विल बी गोइंग समवेयर टू ईट, बिकॉज अभी फ़्लाइट में टाइम है और सुबह सुबह का टाइम है, हम लोगों ने ब्रेकफास्ट भी नहीं किया है। सो लेट्स ईट समवेयर एंड सी what all things that we can explore and what are we eating. Go Colors यहाँ पर भी है, अलग अलग shops हैं जहाँ पर आप लोग shopping कर सकते हो। This thing is मिष्ठान। देखते हैं क्षितिज और अनमोल क्या खाने वाले हैं। झकास, मैक्वी, रेयर प्लैनेट। दिस हाउ द सिटिंग एरिया लुक लाइक ऑफ दिस न्यू एयरपोर्ट। बहुत ही सुंदर है, एक तो खुशबू चारों तरफ से आ रही है, मुझे और भी अच्छा लग रहा है। अपोलो फार्मेसी अभी बन ही रही है, बनी नहीं है, इनकेस यू नीड मेडिसिंस तो आपको बाद में मिल जाएंगी। चॉको कार्ट इस तरह से आप चॉकलेट परचेज कर सकते हो जाते हुए फॉर योर फैमिली एंड फ्रेंड्स। एवरीथिंग इज डिजिटल, आप देख रहे हो, मतलब टेक्नोलॉजी के हिसाब से बनाया गया है और सब कुछ बहुत ही बढ़िया है। गेट्स एकदम, मतलब मुझे ऐसा फील आ रहा है कि मैं किसी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर खड़ी हूँ। नॉट इन इंडिया ऑफकोर्स, गोवा है, बट बहुत ही अच्छे तरीके से बनाया हुआ है, क्लीन अच्छे से है, नीट एंड क्लियर। मेरी आवाज़ बहुत सोतड़ी सी लग रही है अभी, क्योंकि मैं एकदम मतलब सुबह 5 बजे की उठ रही हूँ और अब तक पेट में और गले में कुछ गया नहीं है। यू कैन हैव साउथ इंडियन, आई थिंक आई कैन हैव साउथ इंडियन इन केस दे आर सिटिंग हियर ओनली। देखते हैं भाई और सब कहाँ है। क्या जब शॉप है, मार्शल पूछे कितने का है। कार इंडिया का शोरूम भी आपको यहाँ मिल जाएगा। सरोस्की इज देयर, लकोस्ट इज देयर, आमलानो इज देयर, पुमा है, सनग्लास हट है, हीलर्स है, आर्ट वुड। देखते हैं अंदर क्या मिलता है, कुछ ले लें घर के लिए। फॉरेस्ट एजेंशियल्स भी हैं, आयुर्वेदा, going to check out what we can have from the home.
ओके सो गाइज, अगर आपको शॉपिंग करनी है और बजट शॉपिंग करनी है तो एयरपोर्ट इज़ नॉट द शॉपिंग प्लेस फॉर यू, बिकॉज आई हैव चेक्ड सो मेनी प्लेसेस जो मुझे स्ट्रीट शॉपिंग पे सस्ते पड़ रहे थे, और यहाँ पे एयरपोर्ट पे ऑफकोर्स महंगे हैं क्योंकि हर एयरपोर्ट पे महंगा होता है. सो आप अगर स्ट्रीट शॉपिंग पे कभी भी जाओ और आपको कुछ चीज़ पसंद आए तो प्लीज़ ग्रैब इट फ्रॉम देयर. अपार्ट फ्रॉम दैट, लेट मी एंड दिस वीडियो ऑफ एयरपोर्ट विद द स्ट्रिप एंड ट्रिक्स ऑफ गोवा एयरपोर्ट. कैरी योर मल्टीपल कार्ड्स, स्ट्रीट शॉपिंग करना, और खाने पीने को कम जगह है, और ज़्यादा बड़ा एयरपोर्ट नहीं है, छोटा है लेकिन अच्छा है. डबलिन में तो सिर्फ 2 आउटलेट्स थे, बट यहाँ पे बहुत सारे आउटलेट्स हैं जिसमें आपका टाइम पास अच्छे से हो सकता है. डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, क्लिक ऑन द बेल बटन एंड लव मी एज मच एज यू कैन, बिकॉज मैं आप लोगों के लिए बहुत सारी मेहनत कर रही हूँ. बहुत 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 मेहनत लगती है किसी भी एक वीडियो को बनाने में, कैमरा होल्ड करने में, या बोलने में, या एडिटिंग करने में. बैकग्राउंड पर भी इतना काम होता है. जब तक आप लोगों का प्यार और सपोर्ट नहीं मिलेगा तब तक मैं ये चीज़ नहीं कर पाऊँगी. सो स्टे कनेक्टेड, स्टे ट्यून्ड विद मोर व्लॉग्स एंड लव मी एज मच एज यू कैन. एंड मैं इस एयरपोर्ट की वीडियो को यहीं एंड करती हूँ. अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ कॉमेंट ज़रूर करना. बाय बाय. सो गाइस, ये है एयरपोर्ट का इनसाइडर लुक. फ्लाइट की बोर्डिंग शुरू हो चुकी है. सो गाइस, ये रही हमारी फ्लाइट जिसमें हम लोग जा रहे हैं.